नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैवी वाटर बोर्ड की जो रिक्रूटमेंट अभी आई है फिलहाल में, उसके सिलेबस के बारे में। फ्रेंड्स, बहुत से कैंडिडेटों का कहना था कि सर हमें इसके सिलेबस के बारे में बताइए, तो मैंने आपकी डिमांड पर ये वीडियो बना दी है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट टेक्निकल एमसीक्यू की वहाँ पर दी है, आपको वहाँ पर जाकर विजिट करना है। और अगर आपको एमसीक्यू चाहिए 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की वीडियो, तो मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, वहाँ जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंडरी ट्रेनी की जो पोस्ट है, जिसकी क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। अगर आप केमिकल से भरते हैं, मैकेनिकल से भर रहे हैं तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल से करते हैं तो भरते हैं आप फॉर्म तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। ऐसे ही जो भी इनकी क्वालिफिकेशन है उनके हिसाब से जो सिलेबस है यहाँ पर मेंशन किया गया। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर HWBE के ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो आया फ्रेंड्स, वहाँ से देखकर बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई भी गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं है। ये मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बता रहा हूँ इसका सिलेबस। तो फ्रेंड, जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी फर्स्ट है, जिनका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर सलेक्शन होगा, तो जो उनका सिलेबस है रिटर्न टेस्ट के लिए, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा आपसे, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, पार्ट ए में साइकोमेट्रिक पूछा जाएगा आपसे, एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज के तीनों को मिलाकर 30 क्वेश्चन होंगे आपके इन एक पार्ट ए से। पार्ट बी में आपको जो डे टू डे साइंस होता है फ्रेंड्स, उससे पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन ये हो गए हैं। और पार्ट सी में आपको स्पेसिफिक टू डिसिप्लिन, जैसे मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल की जो आपकी थ्योरी है उससे पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल से, सिविल है तो सिविल से, ऐसे 50 क्वेश्चन आपकी थ्योरी से आएंगे। तो टोटल मिला दें हम तो 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। आपकी जो माइनस मार्किंग भी रखी गई है फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो है 1/2 की। ठीक है फ्रेंड्स, आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये यहाँ पर, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे कि आप रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे ही आप इस रिटर्न टेस्ट को क्लियर करेंगे तो आप जाएंगे इंटरव्यू, जो इसकी दूसरी चयन प्रक्रिया की दूसरी स्टेज है फ्रेंड्स। इंटरव्यू में क्या होगा फ्रेंड्स, जो रिटर्न टेस्ट से निकले हुए कैंडिडेट हैं उन्हें 1:5 मतलब 1:5 के बुलाया जाएगा। जैसे एक पोस्ट है तो 5 लोगों के लिए, 2 पोस्ट है तो 10 लोगों के लिए, इस रेशो में आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मिनिमम मार्क फॉर क्वालिफाइंग इन द इंटरव्यू विल बी 50% फॉर एम्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आपकी जो इम्प्लेसमेंट होगी, मतलब अपॉइंटमेंट या आपकी भर्ती, वह 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए आपके इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर वेटेज का भी बताया गया फ्रेंड्स, तो वेटेज में क्या रखा गया, आपका वेटेज ऑफ मार्क फॉर सिलेक्शन विल बी 70% इन स्टेज फर्स्ट, यानी रिटर्न टेस्ट आपका, एंड 30% इन स्टेज सेकेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपका जो रिटर्न टेस्ट है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वेटेज है आपका वो 70% रिटर्न टेस्ट का है, और जो सेकेंड स्टेज में आपका इंटरव्यू है उसका केवल 30% वेटेज रखा गया। तो आपको रिटर्न टेस्ट होगा आपका जो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाने की कोशिश करना है। तो कैसे आएंगे फ्रेंड्स, आपको गलत जो क्वेश्चन है वो एक भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग है। आगे हम बात कर लेते हैं कैटेगरी सेकेंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी, जो कि हमारे ITI कैंडिडेट हैं, जिनका क्वालिफिकेशन 10th+2 या ITI है, जो भी ट्रेड हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है, इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिक, वेल्डर, टर्नर, प्लम्बर, मेशन, ये जितनी भी ट्रेडें इसमें आ रही हैं, इनका जो सिलेबस रखा गया है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनकी कितनी स्टेजेस होने वाली हैं सिलेक्शन के लिए। तो आपकी 3 स्टेजेस हैं फ्रेंड, फर्स्ट स्टेज में आपका रिटर्न टेस्ट होगा, प्राइमरी टेस्ट होगा, सेकेंड टेस्ट में एडवांस टेस्ट होगा, और थर्ड जो स्टेज है वो है स्किल टेस्ट की। तो जो आपकी प्राइमरी टेस्ट के लिए सिलेबस है वो इस प्रकार है कि आपके 50 क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके साइंस से रहेंगे, और 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस से फ्रेंड्स। 1/3 की यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगी फ्रेंड्स आपके, मतलब 3 गलत पर आपका 1 जो मार्क है वो काट लिया जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 40% जनरल कैंडिडेटों को लाना अनिवार्य क्वालिफाइंग करने के लिए प्राइमरी टेस्ट को, और जितनी भी कैटेगरी फिर बच जाती है उन्हें 30% लाना अनिवार्य है
50 जो क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मतलब जो 50 क्वेश्चन होंगे वो 150 नंबर के होंगे, और 150 का 40% निकालना है फ्रेंड्स आपको, और ऐसे ही 150 का 30% निकालना है, मतलब 150 का 30% करेंगे आप तो 45 होता है, मतलब आपको 15 क्वेश्चन सही करना है प्राइमरी टेस्ट के लिए। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि आपको केवल 15 क्वेश्चन सही करना है 50 क्वेश्चनों में, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जो आपसे बनता है वही करें, गलत बिल्कुल टिक करके ना आए फ्रेंड्स। आगे बात कर लूँ मैं, जो आपका एडवांस टेस्ट होगा, जो आपके लिए सबसे मेन है वो है आपका एडवांस टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपकी थ्योरी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस भी आप ट्रेड से हैं उस ट्रेड के लिए आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन किया गया है जो ऑपरेटर पोस्ट है, केमिकल लेबोरेटरी, जो जितनी भी पोस्ट ये हैं उनके जो 50 क्वेश्चन होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी ITI स्टूडेंट हैं उनकी जो पोस्ट, जो ट्रेडें हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जितनी भी ट्रेडें हैं उनके थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो होगा आपका 3 मार्क का होगा, मतलब आपके भी 150 मार्क हो जाते हैं टोटल, और आपको केवल यहाँ पर 30% क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, मतलब आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, लेकिन जो आपकी मेरिट है वो इसी टेस्ट से बनेगी, आपकी एडवांटेज से। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा नंबर लाना है फ्रेंड्स, मैं सीधा सीधा आपको बतला देता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा नंबर आपके एडवांस टेस्ट में ही आना चाहिए, क्योंकि आपकी जो मेरिट है वो एडवांस टेस्ट के बेसिक्स पर ही बनेगी फ्रेंड्स, ठीक है। अब जैसे ही एडवांस टेस्ट पे आप क्वालिफाई कर लेते हैं फ्रेंड, तो आपको स्टिल जो टेस्ट है स्टेज 3 में उसके लिए बुलाया जाएगा फ्रेंड्स। उसका भी जो रेशो रखा गया है वो 1:5 का है, मतलब आपकी एक पोस्ट है तो 5 लोगों को बुलाया जाएगा, 2 पोस्ट है तो 10 लोगों को बुलाया जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको पूरा बता दिया है। आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो गो नो गो बेसिस का होगा, मतलब आपको केवल क्वालिफाइंग करना है इस पर, जो आपकी एडवांस टेस्ट होगा उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस बता दिया है, कैटेगरी फर्स्ट जो पोस्ट है उसके लिए भी और कैटेगरी सेकंड। बहुत से स्टूडेंट थे जो मुझसे कह रहे थे कि सर हमें सिलेबस चाहिए, सिलेबस की वीडियो जल्द से जल्द आप प्रोवाइड करें, तो मैंने फ्रेंड्स आज आपके लिए ये सिलेबस की वीडियो बना दी है। कैसा लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो पहले सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।